Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of What's Going On with Armila Hassan and we are live aur hum apne official page Sports Fever 360 se live aa chuke hain now aaj ki jo hamare show mein conversation hai that's going to be very interesting har sports pe koi na koi rivalry hoti hai aur jab hum cricket ki baat karte hain तो जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है चाहे बड़ा है बूढ़ा है छोटा है जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है नहीं है एवरीबॉडी नोज पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है सड़कें वीरान है आई एम श्योर कि ये सिर्फ पाकिस्तान में सिचुएशन ही होती है बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर पे यही हाल होता है बिकॉज ये एक ऐसी राइवलरी है जिसको हर कोई इंजॉय करता है भरपूर तरीके से इंजॉय करता है विल टॉक अबाउट इट टुडे इसके बारे में बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड के हवाले से बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि हमारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं या एंकर्स हैं वो आजकल क्या करें उसके लिए आज हमें क्रॉस द बॉर्डर से ज्वाइन किया है द वेरी नोन फेस ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म मोस्ट कहा जाए अगर सीनियर एंड एक्सपीरियंस एंकर विक्रांत गुप्ता इन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनको वेलकम करेंगे थैंक यू सो मच विक्रांत फॉर ज्वाइनिंग और आपसे हाउ आर यू वेरी गुड महाराज जी थैंक यू वेरी मच मैं तो ये कहूंगा कि खुशकिस्मती हमारी है कि आपने याद किया इस दौरान जबकि झाड़ू पोछे में हमारा सारा वक्त निकल जाता है तो मुझे लगा कि चलो आज दुकान खोलने का दोबारा वक्त भी आ गया है चलो बोले टॉक अबाउट दिस के ये झाड़ू पोछा क्या हो रहा है उसके साथ साथ मैं बाकी दो मेहमानों का भी तारुफ करवाती चलूं हमारे साथ नाम मौजूद होंगे एक ऐसे जिन्होंने ऐसे जर्नलिस्ट जिन्होंने आईसीसी आईपीएल के साथ काम किया और जो कहा जाए इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के चीफ क्रिकेटर राइटर भी हैं और इनको हम वेलकम करेंगे हमारे साथ हैं जी चंद्रेश साहब वेलकम टू द शो चंद्रेश हाउ आर यू I'm very well, Armila ji. बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और विक्रांत जी की तरह Thank you so much for joining. Thank you. और विक्रांत जी की तरह आप भी कुछ झाड़ू पोछे वाला काम कर रहे हैं वो तो सुबह शाम करना पड़ता है वो तो नंबर बढ़ाने के लिए करना ही पड़ता है ये झूठ बोल रहे हैं ये इनके चेहरे मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ देखिए ये 100% झूठ बोल रहे हैं ये नहीं मैं विक्रांत जी की तरह कोटी में नहीं रहता मैं एक छोटे से मकान में रहता हूँ तो उसमें छोड़िए छोड़िए आप छोड़िए चलिए देखते हैं आपका मैं क्विज लूंगा अभी अभी हम अगर अभी आप करते हैं तो सब... अच्छा इसके साथ साथ जी आर वेरी ओन उमर फारूक ईएसपीएन क्रिकेट के साथ काम करते हैं हम इनसे भी डिस्कशन करेंगे वेलकम टू द शो उमर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग हाउ आर यू थैंक यू वेरी मच रमला बिल्कुल आई एम परफेक्टली फाइन और रमजान चल रहा है यहाँ पे और जो अभी विक्रांत ने बात की सफाई वगैरह की भाई हमारे घर पे भी एग्जैक्टली ऐसे ही है अपने काम खुद करने पड़ते हैं और बर्तन की जिम्मेदारी मेरी है रात के वो मुझे धोने पड़ते हैं वाह यार that's cool I'm actually enjoying it कि ये जो काम मर्द ज्यादा है वो एक्टिविटीज करें जो प्रेफरली हम अक्सर डिस्कस करे होते हैं खवातीन के यार हमें बहुत सारे काम करते हैं सो लेट्स टॉक अबाउट योर क्वारंटीन लाइफ विक्रांत हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू दीस डेज बिकॉज दुकान वो वाली बंद है तो ये वाली तो घर वाली शुरू है नहीं नहीं दुकानें दोनों चल रही हैं और ये है अच्छा, कि जैसे आपने कहा द वर्ल्ड इज चेंज दुनिया तो बदल गई है ना आप भी देखिए शायद घर पे बैठी हैं मैं भी घर पे हूँ चंद्रेश भी है उमर भाई भी हैं तो ये हमारा थोड़ा सा जो अधारा है वो चेंज हो गया है लेकिन काम वही है एक डर ये था कि यार जब कोरोना वायरस आ गया दुनिया भर में खेल नहीं हो रहा दुनिया भर में क्रिकेट नहीं हो रही तो हम करेंगे तो क्या करेंगे ऊपर वाला दे देते हैं ना कुछ तो कई सारे इंटरव्यूज हमने शुरू किए और ये चीज मैंने पाकिस्तान में देखी थी कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स थे ना साबिक क्रिकेटर्स स्पेशली वो कुछ कुछ बोल जाते थे हमारे इंडिया में लोग इतना बोलते नहीं थे दे यूज्ड टू बी वेरी केयरफुल तो ऐसा इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू हुआ है कि हर कोई जो है वो ये बता रहा है कि मेरे साथ भी गलत हुआ मेरे साथ भी गलत हुआ मेरे साथ भी गलत हुआ तो उस लिहाज से एज ए सहाफी आपसे बेहतर क्या हो सकता है कि आपके इंटरव्यूज को वो रीच मिल रही है और दूसरी दुकान जो आप कह रही है वो तो भाई 24 घंटे में से बस दो चार घंटे की नींद मिलती है अभी अभी जैसे मैंने कहा मैं शाम के बर्तन जो है वो साफ करके आया हूँ और फिक्र मुझे इस बात की है कि जब सुबह सुबह उठूंगा तो थोड़े से बर्तन होंगे क्योंकि चाय बनाने का भी जो सुबह का काम है वो मेरा है उसके बाद मैं चाय सबको बनाऊंगा उसके बाद झाड़ू भी होगा पोछा आम लकी के वो पोछा मेरे पास वो है वो जो हाथ से कर लेते हैं ना यही जिंदगी है अपनी यही जिंदगी इतनी सी जिंदगी चल रही है बस माइक की लेकिन माइक की जगह जिंदगी है मजेदार तो हो गई है मजेदार तो हो गई है उमर आप कुछ कह रहे थे जी बिल्कुल अब हम जो घर में पहले बातें किया करते थे यार इतने बर्तन कहाँ हैं जो आप लोग बातें करते हो अब हमें एहसास हो रहा है कि बर्तन एग्जैक्टली होते हैं तो वो अब गिन गिन के जब धोने पड़ते हैं तो अंदाजा होता है पहले हम वर्ड काउंट काउंट किया करते थे बर्तन काउंट करते हैं कि कितने बर्तन रह गए धोने वाले और कितने धोने हैं अभी
ठीक नहीं, कभी कभी चंद्रेश ऐसा टॉपिक होता, नहीं कभी कभी ऐसा होता है मैं लोड करके वापस जाता हूँ अपने कंप्यूटर पे, वापस आता हूँ देखता हूँ ढेर लगा होता है बर्तनों का, तो मैंने कहा ये कब आया, अभी तो करके गया था मैं, ऐड तो बढ़ते जाता है हर बार आता हूँ हर बार बढ़ते जाता है। करें। और ये मतलब जैसे विक्रांत जी ने कहा कि इससे एक नया डिमेंशन ऐड हो गया हम हमारे लाइफ्स को, क्योंकि हम जैसे इंडिया पाकिस्तान में हम हमको बिगाड़ा गया है, क्योंकि बाहर आप रहते हैं बाहर के मुल्कों में ऐसा खुद को खुद का ही काम करना करना पड़ता है पड़ता है। हमारे यहाँ पे। हाँ यहाँ पे घर पे सब लोग आते हैं टाइम टू टाइम, कोई कचरा लेने आता है, कोई गोभी आता है, कोई काम करने आता है घर पे, ये अभी ये सब अभी बहुत लग्जरी लग रहा है मुझे, और मेरे ख्याल से हमें यूज टू होना पड़ेगा इस सब के बिना। यू राइट कि आप बिल्कुल हर चीज चेंज हो गई है। विक्रांत, इफ वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, इट हैज चेंज्ड एज वेल। अब वो दोबारा से हम उस चीज पर आ रहे हैं, बिकॉज आई नो कि ये वो डिफिकल्ट टाइम है और इसको हम इसके बारे में कुछ प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते व्हेन द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज विल स्टार्ट अगेन। व्हाट डू यू थिंक कि ये जो क्रिकेट है और इवन ओवरऑल स्पोर्ट्स, ये इसका क्या हम फ्यूचर देख सकते हैं या एक्सपेक्ट कर सकते देखिए हैं? अरमाला जी, हर 15 दिन में ना सेंटिमेंट बदल रहा है। मुझे याद है मार्च के महीने में जब इन्होंने कहा कि आईपीएल को थोड़ा सामने आगे मुलतवी कर दिया है 15 अप्रैल, तो आई वाज वेरी श्योर कि 15 अप्रैल को शुरू हो जाएगा। मतलब कुछ गिने चुने 40-45 केसेस थे और मुझे लग रहा था कि यार ये सब कंट्रोल हो जाएगा, बट वो तो जंगल में आग है। उस वक्त टेस्ट भी कम हो रहे थे, अब जैसे जैसे अपने टेस्ट करने की तादाद बढ़ाई, आई थिंक इंडिया हैज टेस्टेड अबाउट 20 लाख टेस्ट हो चुके हैं, तो जब आप 20 लाख टेस्ट कर चुके हैं तो तकरीबन 80,000 के करीब हमारे पॉजिटिव केसेस हैं और ये बढ़ रहे हैं। हम सोच रहे थे स्पाइक आएगी और नीचे हम चले जाएंगे, वैसा नहीं हुआ है। तो हर हफ्ते मैं जैसे कह रहा हूँ ना, ये मुश्किल दिखता जा रहा है, लेकिन एक रे ऑफ होप, मतलब वो जो दिखी है सिल्वर लाइनिंग, वो ये दिखी है जब पिछले हफ्ते इंग्लैंड से खबर आई कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अपनी जो होम सीरीज है वो जुलाई में शुरू करने के बारे में सोचा है। जुलाई में पाकिस्तान को वो होस्ट करने के बारे में कह रहे हैं इन अगस्त। अगर ऐसा हो गया माला जी, तो दुनिया भर जो है ना, देखिए इस वक्त ना सेंटिमेंट ऐसा है कि कोई अगर बात भी करेगा ना शुरू करने की, तो उसको इनसेंसिटिव कहा जाएगा, कहेगा यार देखो क्रिकेट है, पैसे के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, यहाँ पे तो जिंदगी की बात है। लेकिन आई थिंक हम सब ये रियलाइज कर चुके हैं कि वी हैव टू लिव विद दिस। Exactly. We have to live with this. भाई आप देखिए, आप कितने दिन घर पे बैठी रहेंगी, कितने दिन मैं घर पे बैठा रहूंगा, जो मजदूर आदमी है जो अपने रोजगार के लिए घर से बाहर निकलता है उसको आप कितने दिन बिठा के रख सकते हैं, उसको अपनी जिंदगी के साथ साथ रोजी रोटी भी तो चाहिए ना। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि एहतियात के साथ साथ हम सबकी जिंदगी बदलेंगी, जब हमारी जिंदगी बदलेंगी तो खेल भी बदलेगा। मैंने कई सारे इंटरव्यूज किए और मैं यही बात करता हूँ कि जी गेंद जब बॉलर करेगा, बैट्समैन ने खेल दिया, पॉइंट फील्डर के पास गया, उसने कवर वाले को पकड़ा, उसने मिड ऑफ को दिया बॉलर के हाथ में, तो बॉल तो एक दूसरे तीसरे चौथे हाथ जा ही रही है, तो उसका क्या होगा? फिर आपने थूक लगानी मना कर दी है, सो यू विल हैव टू चेंज एवरीथिंग। और एक जो सबसे बड़ी बात होगी, जब भी क्रिकेट शुरू होगी या कोई भी खेल शुरू होगा, आप एक साल विदाउट क्राउड्स ही देखेंगे। जो मैंने सुना है, चंद्रेश इस पर इत्तेफाक रखेंगे शायद मेरे साथ, जो मैंने सुना है वो ये है कि आईपीएल भी ये सितंबर में कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आईपीएल सितंबर में होता है तो उसके पीछे एक वजह यह है कि जी देखो, दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी टीमें हैं, क्योंकि एज ऑफ नाउ आपने वर्ल्ड T20 अक्टूबर नवंबर में शेड्यूल्ड किया है, ऑस्ट्रेलिया में हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन आप 16 टीमों को कैसे होस्ट कर लेंगे, और आईसीसी टूर्नामेंट है, तो वो एक व्यू ये भी है कि आईसीसी वर्ल्ड कप को आप ले जाए फरवरी मार्च में, एंड ऑफ ऑस्ट्रेलियन सीजन, और वक्त मिल जाएगा। और आईपीएल से ये चाहते हैं कि दुनिया भर का, पाकिस्तान तो नहीं आता लेकिन बाकी जो तमाम टीमें हैं उनके खिलाड़ी आके आईपीएल खेलें, फिर आप अपनी अपनी जो बायलैटरल क्रिकेट है वो एंगेजमेंट्स कीजिए और फरवरी मार्च में T20 आ जाए, और T20 तक, अगर फरवरी मार्च में T20 होता है तो आई कैन वाउच फॉर इट, और आप भी जानती हैं कि इसमें क्राउड नहीं दिखेगा आपको, यू हैव टू लिव विद दैट। आपको खेल शुरू करना पड़ेगा अरमाला, आप नहीं रोक सकते। अब आप ये नहीं कह सकते यार केसेस जब तक जीरो पे नहीं आएंगे हम तो जी आगे नहीं बढ़ेंगे, आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, आप इसे इनसेंसिटिव कहें या कुछ भी कहें, बट यू हैव टू लिव विद इट। अब आईपीएल इंडिया के लिए $1 बिलियन हर साल बीसीसीआई के लिए निकालता है, ठीक है जी, इंडियन गवर्नमेंट को भी तकरीबन आई थिंक $200 मिलियन का टैक्स आता है, तो कौन छोड़ना चाहेगा एज ऑफ नाउ? ठीक है चंद्रेश, जिस तरह से विक्रांत ने बोला कि जब आईपीएल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें विदाउट
क्रिकेट फैंस उसको देखने को मिलेगा. ऑब्वियसली हमें भी पीएसएल में भी ये प्रॉब्लम आई कि वी हैव टू पोस्टपोन इट और लाइक कैंसिल इट और समथिंग लाइक दैट. व्हाट डू यू थिंक कि विदाउट स्टैंड्स खाली हो, क्राउड ना हो, बिकॉज लाइफस्टाइल तो चेंज हो गया, सारी चीजें चेंज हो गई. सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि आईपीएल करवाना और इस पे रिएक्शन लोगों का आना, हाउ इट्स गोना हैपन? देखिए, मैंने पीएसएल के कुछ मैचेस देखे थे जहां पे क्राउड नहीं थे, वो टीका लगा मुझे. देखिए, क्रिकेट जब भी वापस आएगा, मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लैंड से आएगा. विक्रांत ने कहा कि वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड सोच रही है उसके बारे में, बट इंग्लैंड इज आई थिंक विल स्टिल बी अ बिट मोर कंजर्वेटिव. क्रिकेट जब भी आएगा मेरे ख्याल से आईपीएल से ही शुरू होगा. और विक्रांत जी ने बिल्कुल सही कहा कि वी हैव टू रीस्टार्ट. और आईपीएल अगर हुआ विदाउट क्राउड ही होगा, क्योंकि आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये शुरुआत करनी है, क्योंकि आप घर पर बैठे नहीं रह सकते. फीका जरूर रहेगा एक्सपीरियंस, बिकॉज स्टेडियम में खाली आप स्टेडियम में देखेंगे, कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा. तो जिस तरह से आपने देखा साउथ कोरिया में मेरे ख्याल से कुछ फुटबॉल मैचेस हुए हैं जहाँ पे उन्होंने डमी बिठाए हुए हैं क्राउड का और मैचेस शुरुआत किया है उन्होंने, तो आई थिंक दैट आप देखेंगे कि ऐसा उस तरह से कोई सराउंड साउंड करके कोई ना कोई गिमिक आपको करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को अट्रैक्ट कर सके. टीवी पर देखना, आप लोगों की बात कर रहे हैं, टीवी पे देखने वालों को भी एक मजा आना चाहिए. अगर चौका लगने पर भी या छक्का मारने पर भी कोई आवाज नहीं आ रहा है, nobody is going to be attracted to the spectacle. PSL, IPL, CPL जो भी है, क्राउड की वजह से बनता है ये सारा क्रिकेट का माहौल. और मैं ये देख रहा हूँ कि इंग्लैंड टीम भी वापस ट्रेनिंग करने वाली है, अगले हफ्ते से इंडिविजुअल ट्रेनिंग रिज्यूम करने वाली है. बट इंग्लैंड मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, तो वो शुरुआत नहीं करेंगे. आईपीएल मेरे ख्याल से ही शुरुआत होगा. एशिया कप जिसकी मेजबानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है, वो शायद इस साल नहीं होगी. और मैं देख रहा हूँ कि विक्रांत ने जैसे कहा कि इस साल T20 वर्ल्ड कप भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 16 टीम्स को अगर ऑस्ट्रेलिया लेके जाना है, 15 टीम को ऑस्ट्रेलिया लेके जाना है, 300 प्लेयर, बहुत बड़ा काम है वो. तो उधर जाने दो. मैं देख रहा हूँ नवंबर दिसंबर के आसपास आईपीएल होगा और वो हिंदुस्तान में होगा. मैं पढ़ रहा हूँ खबरें कि यूएई और श्रीलंका वालों ने भी ऑफर दिया है, बट मेरे ख्याल से होगा तो हिंदुस्तान में होगा और उन्हीं कारणों से जो विक्रांत जी ने कहा. ठीक हो गया उमर, लेट्स टॉक अबाउट इट. कि जिस तरह से इन्होंने बोला कि अब चूंकि आदत हो जाएगी, बिकॉज़ वी हैव टू लिव विद इट, बट वही बात जिस तरह भी चंद्रेश ने की कि जो क्रिकेट का जाम है वो क्रिकेट फैंस के साथ ही होता है, लेकिन अब जब टीवी पे देखें या आप ग्राउंड में देखें या फील्ड में देखें, अगर फैंस भी होंगे तो हाउ आर यू गोना एंजॉय द क्रिकेट? हाँ बिल्कुल, जो जिन मैचेस को चंद्रेश ने टीवी पे देखा, मैंने ग्राउंड में बैठ के देखा और खाली स्टेडियम में देखा, और मुझे बिल्कुल एक खूब का सामान दिखा है वहाँ पे. ना लोगों का शोर, लोग है ही नहीं है. आई मीन गिन के आई थिंक 50 से 60 लोग थे जो बैठे हुए थे, वो भी कुछ पुलिस ऑफिशियल थे, कुछ मीडिया के लोग थे, कुछ ब्रॉडकास्टर्स थे लेफ्ट राइट पे, तो वो चाम बिल्कुल नहीं था. अभी चंद्रेश ने एक बात की कि आईपीएल से स्टार्ट होगा, प्रॉब्ली मैं थोड़ा अपडेट करता चलूं. इंग्लैंड इज सो डेस्परेट, आपने खुद ही बताया कि आज उन्होंने ट्रेनिंग की, आज अनाउंसमेंट भी कर दी कि 30 लड़के जो है उनके बाहर आएंगे और इंडिविजुअली ट्रेनिंग करेंगे. और कल पाकिस्तान और इंग्लैंड की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चलने वाली है वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, जिसपे प्रॉब्ली दे विल कम क्लोज टू डिसाइड कि हमें पाकिस्तान जो है इंग्लैंड जाना है कि नहीं जाना. बट मोर ऑर लेस जो मुझे खबरें मिल रही हैं, जो प्रॉब्ली मैंने रिपोर्ट भी किया है क्विक इन्फो पे, पाकिस्तान ऑलमोस्ट 95% कंफर्म है कि वो इंग्लैंड जाएगा. और प्रॉब्ली आईपीएल तो हम बात कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर की बात कर रहे हैं, आई थिंक अगस्त में ही आप देखेंगे जितनी डेस्परेशन के साथ इंग्लैंड कोशिश कर रहा है, बिकॉज 380 मिलियन पाउंड का उनको लॉस इस सीजन में उनको हो रहा है. तो दे आर वेरी डेस्परेट, वो चाह रहे कि वेस्ट इंडीज भी इंग्लैंड में आए. अगर समहाउ अगर वेस्ट इंडीज फॉर सम रीजन नहीं आ पाती, तो पाकिस्तान को काफी हद तक इंग्लैंड ने कन्विंस कर लिया. पाकिस्तान दे आर कमिटेड, कुछ SOPs तय होने बाकी हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होना बाकी हैं. जैसे आज ही मैं मुझे बताया गया कि पाकिस्तान जो है उनको ऑफर किया गया कि आप 15 की जगह अब 25 लड़के लेके आएंगे. क्यों लड़के लेके आएंगे? आप और टूर से कुछ तकरीबन आई थिंक 25 दिन पहले आएंगे, 14 दिन आपको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, उसके बाद आप 10 दिन ट्रेनिंग के अहेड ऑफ द टेस्ट सीरीज आप स्टार्ट करेंगे. तो इंग्लैंड के पास इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने भी काफी सपोर्ट किया. आपने प्रॉब्लली चंद्रेश ने पढ़ा होगा कुछ दिन पहले, उनकी ही गवर्नमेंट ने ही 60 पेजेस की स्ट्रेटेजी दी है तमाम स्टेक होल्डर्स को कि आप इनको इम्प्लीमेंट करें, इन पे काम करें और इनको देखते हुए आप आगे चलें. और आई थिंक दुनिया में पाकिस्तान को फिलहाल लॉस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को होम सीरीज अपनी होस्ट नहीं करनी.
पाकिस्तान की जो एक्सपेंसिव है नेक्स्ट एटलीस्ट 8 to 12 मंथ्स एक्सपेंसिव नहीं है पाकिस्तान के। इंग्लैंड वाहिद कंट्री है बिकॉज उनका सीजन आपको मालूम है अभी शुरू होने वाला है आने वाले दिनों में, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो सबसे ज्यादा सफरिंग जो सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना कि जो अग्रीव पार्टी है राइट नाउ वो इस टाइम इंग्लैंड है, और वो बहुत कोशिश कर रही है, कहते हैं ना हाथ पांव मार रही है कि टीम्स आए पाकिस्तान को ऑफर करके रखा हुआ है। फिर पाकिस्तान ने भी शायद एक हिंट किया है कि ये जो हम बार्गेनिंग करने जा रहे हैं प्रॉब्ली शायद पाकिस्तान का टूर है, इंग्लैंड का टूर है पाकिस्तान का अगले साल, अगर हालात बेहतर होते हैं तो ये चीजें चल रही हैं। तो प्रॉब्ली सो फार आईपीएल आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट आईपीएल बिकॉज मैंने इतना ज्यादा पढ़ा नहीं है, चंद्रेश और विक्रांत ज्यादा बेहतर जानते हैं मुझसे, लेकिन जो पाकिस्तान की इस टाइम निगोशिएशन चल रही है इंग्लैंड के साथ आई एम वेरी मच कन्विंस्ड कि पाकिस्तान डिटरमिंड है, पाकिस्तान कमिटेड है इंग्लैंड की इस सपोर्ट करने के लिए। और आई फील अगर कहीं से स्टार्ट होगा तो यू विल प्रॉब्ली गोना सी कि ये पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज से स्टार्ट होगा या उससे पहले वेस्ट इंडीज से स्टार्ट होगा। वेस्ट इंडीज का भी आई एम नॉट 100% उनके उनके आई थिंक उनके कोच ने बोला है कि वी डोंट हैव टू बी, हमें ज्यादा होश होने की जरूरत नहीं है, चीजें बहुत कुछ आ गई हैं। जैसे विक्रांत ने भी जिक्र किया कि एवरी 15 डेज चीजें इवॉल्व हो रही हैं, चीजें डेवलप हो रही हैं, आई फील कि हर दूसरे दिन डेवलप हो रही हैं। एक सोच है, एक परसेप्शन है, यही वो परसेप्शन जिसने लोगों को पाकिस्तान की बात करें, मुझे इंडिया का नहीं मालूम इतना ज्यादा, पाकिस्तान में यही परसेप्शन की बात है कि पहले हफ्ते में मार्च के लास्ट के हफ्ते में लोग घर से बाहर नहीं निकले, एकदम परसेप्शन चेंज हुआ, लॉकडाउन खत्म हुआ, एकदम हमारे यहाँ बाजार भर गए कि लोगों को बंद करना पड़ा है वो। तो ये परसेप्शन है, लोग डेस्परेट हैं, लोग इसे कहते हैं ना, जो विक्रांत ने भी बोला कि हमें रहना पड़ेगा, वी हैव टू लिव विद इट। आज WHO स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि इट्स हियर टू स्टे, और दिस इज रियलिटी कि ये यहाँ पे रहेगी। हमें इसको देखें, दुनिया में इंसान जब आया है तो उसने अपने आप को इवॉल्व किया हर तरह से, अपने जीने के तरीके, अपने आप को हर डेकेड्स के बाद एक अपने आप को जिद्दत लाई है उसमें। तो प्रॉब्ली ये एक वायरस है, हमें इससे रहना पड़ेगा इसके साथ, और इसके साथ रहने के साथ हमें इसके साथ रहना आना पड़ेगा। आई डोंट नो वैक्सीनेशन कब आती है, लेकिन प्रॉब्ली लोग कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को, पहले हम एक स्टेप ले रहे हैं, हम दो स्टेप ले रहे हैं, पहले हम घर से बाहर नहीं जाया करते थे, अब प्रॉब्ली हम ग्रोसरी के लिए दो स्टेप ले रहे हैं दुकानों तक, जो दुकानें खुली हुई अवेयर है, थोड़ा अपने आपको पुल किया हुआ हमने कि हमें थोड़ा अपने प्रिकॉशन अडॉप्ट करने हैं। तो प्रॉब्ली चीजें बेहतर, जिस तरह इंग्लैंड ने अपना एक बड़ी स्ट्राइड लिया, इंग्लैंड वॉन्टेड की क्रिकेट हो, आउट ऑफ डेस्परेशन कह लें, कोई भी वजह कह लें, जाहिर फाइनेंशियल लॉस इंग्लैंड का बहुत बड़ा लॉस है उनको, और तमाम बोर्ड्स को पता है कि फाइनेंशियल लॉस कितना बड़ा लॉस होता है। तो आई थिंक इट विल गो ऑन, और जैसे विक्रांत ने बोला, चंदेश ने, आई टोटली एग्री कि इट्स अ न्यू नॉर्मल, और हमें कुछ ना कुछ अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा जिंदगी गुजारने के लिए आगे। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम अब्दुल्ला आरएफ, न्यूजीलैंड में आईपीएल के क्या चांसेस हैं? चंद्रेश एंड विक्रांत, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। बॉर्डर बंद नहीं, 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 चांस ही नहीं है जी न्यूजीलैंड में, इसलिए नहीं है चांस, हालांकि देखिए एक तो आपको ये देखना होगा कि इंडिया में जो प्राइम टाइम है टेलीविजन का शाम, वो आप तभी मैचेस टेलीकास्ट कर सकते हैं। न्यूजीलैंड में अगर आप नाइट मैच भी करते हैं तो यहाँ पे तो 12 एक बजे आपको दोपहर को शुरू करना पड़ेगा, इट डजंट वर्क। सेकेंडली मुझे लगता है कि अगेन आपको दिक्कत ये भी आएगी ना कि दुनिया भर के खिलाड़ियों को आप न्यूजीलैंड पहुंचाएंगे, क्या न्यूजीलैंड आपको उस चीज की परमिशन देगा? उन्होंने बड़े मुश्किल अपने आप को कंट्रोल किया है अभी तो। ऑस्ट्रेलिया को भी आप देखें ना, 30 सितंबर तक उन्होंने भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, हालांकि उन्होंने न्यूजीलैंड की रग्बी टीम को अलाउ किया, विच दे विल। आईपीएल होगा तो जैसे चंद्रेश ने कहा इंडिया में ही होगा, लेकिन आपको उसकी डायनेमिक्स भी देखनी होगी। देखिए हम क्रिकेट शौकीन के तौर पे, क्रिकेट फैंस के तौर पे, हर कोई चाहता है कि जी आईपीएल हो, मतलब हम चाहते हैं। आप देखिए बीसीसीआई चाहेगा, पैसा आता है, जितने फ्रेंचाइजीज है वो चाहेंगे, जितने आपके खिलाड़ी हैं वो चाहेंगे, जो मीडिया वो चाहेगा, और जो आईपीएल की इंडस्ट्री है जिसको कहते हैं कि तकरीबन एवरी ईयर अबाउट $2 to $3 billion राइड ऑन वन आईपीएल इंटायर इंडस्ट्री, तो हर कोई चाहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जो सबसे ज्यादा पैसा खर्चना है जिसने, स्टार स्पोर्ट्स द ब्रॉडकास्टर, वो चाहेगा? ये एक हमारी कंसेप्शन है, हम सोचते हैं यार ब्रॉडकास्टर तो मर रहा है, वो तो कह रहा है प्लीज हमें आईपीएल दे दो, बट वो इतना पैसा $500 million हर साल खर्चेगा, सपोज कीजिए सितंबर अक्टूबर में वो इस साल का कराता है, फिर उसको अगले साल अप्रैल मई का दोबारा करना पड़ेगा, तो इन 7-8 महीनों में एक वर्ल्ड T20 भी आएगा, तो एक वर्ल्ड T20, दो आईपीएल, क्या वो मार्केट से इतना पैसा उठा पाएंगे? क्या इतने एडवर्टाइजर्स आएंगे? आज इकोनॉमी का आप हाल देख रही है, मतलब हशर मचा हुआ है ना, सब कुछ तितर बितर हुआ है, तो वो कैसे आएगा? तो ये सब भी चीजें देखनी पड़ेंगी। और मुझे ये लगता है ना, मैं आपको सच बताऊं, उमर भाई की आवाज मुझे अनफॉर्चुनेटली नहीं आई, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं आपको सच बताऊं,
इस वक्त आज से 2 महीने पहले जो क्रिकेट थी, जब भी क्रिकेट शुरू होगी आप देखेंगे ना सिर्फ आपके भाई क्राउड नहीं जा रहा या ये वो, आप इकोनॉमिक्स भी देखेंगे क्रिकेट का। पाकिस्तान ने अपने मीडिया राइट्स लगाए हुए हैं, बाकी मुल्कों ने अपने मीडिया राइट्स लगाए हुए हैं। क्या आपको लगता है कि इतना पैसा कोई खर्चेगा? जो इंडियन मीडिया राइट्स हैं, जो ICC मीडिया राइट्स हैं, जो IPL मीडिया राइट्स हैं, वो इतने लेवल की चीज को इतने लेवल पे खरीदा गया, आज मार्केट में पैसा नहीं है, आज मार्केट में पैसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो क्रिकेट का जो तंबू है ना, जो 4-5 बंबुओं पे खड़ा है, विच इज मीडिया राइट्स, एक बंबू भी अगर निकल गया ना, तो आप देखेंगी कि ये क्रिकेट का खेल वो बदल जाएगा। एंड आई फोर्सी ए सिचुएशन जहां पर आप देखेंगे माला कि ये इतना पैसा नहीं रहेगा गेम में, इतना अंधा पैसा गेम में नहीं रहेगा। ये आप लिख लीजिए अगले दो, जो मर्जी US कुछ भी कह दे, ब्रिटेन कुछ कह दे, पाकिस्तान कुछ कह दे, इंडिया कुछ कह दे, फैक्ट इज दुनिया की इकोनॉमी 25 साल पीछे चली गई है। हम लोग 25 साल पीछे चले गए हैं, तो हमें ये नहीं है कि जी कोई कह दे जी 6 महीने में हमारी गाड़ी वापस आ जाएगी, इट इज नॉट पॉसिबल। तो मुझे लगता है कि क्रिकेट के लिए भी आप 25 नहीं तो कम से कम 15 साल तो पीछे जाएंगे ही जाएंगे। या चंद्रेश, जिस तरह से विक्रांत जी ने बोला कि ऑब्वियसली अब हम पीछे चले गए हैं और ये सारी चीजें चेंज होंगी, और उसके साथ साथ जिस तरह से क्रिकेट में अंधा पैसा लगता है, चाहे वो IPL है चाहे ओवरऑल क्रिकेट है, अब शायद बहुत सारे इन्वेस्टर्स या स्पॉन्सर्स इस तरफ आने के लिए भी रिलक्टेंट होंगे। बिल्कुल, और आप देखिए आज से 2 हफ्ते बाद ICC का एक बोर्ड मीटिंग है जिसमें ये सारा जो किस्सा है हमें सामने आने वाला है, और मेरे ख्याल से 28 मई को जो बोर्ड मीटिंग है उसमें एक रोड मैप तय होगा जिसमें हमें पता चलेगा कि आखिर क्या होने वाला है। बिकॉज आप ये देखें, ये सब हम IPL और बड़े टूर्नामेंट्स की बात कर रहे हैं, उसके अलावा जैसे विक्रांत जी ने कहा बहुत सारे बायलैटरल सीरीज हैं और बहुत सारे बायलैटरल राइट्स हैं, जो TV राइट्स हैं काफ़ी क्रिकेट बोर्ड्स के, श्रीलंका के, पाकिस्तान के, वेस्ट इंडीज के, जो अप फॉर ग्रैब्स हैं, जो जैसे विक्रांत जी ने कहा नोबडी इज विलिंग टू पुट इन द मनी। एंड वो 2 हफ्ते बाद हमें पता चलेगा कि आखिर हम जा कर रहे हैं, क्रिकेट होने वाला है तो कैसे होने वाला है। आपका टेस्ट चैंपियनशिप रुक गया, आपका सुपर लीग ODI रुक गया है, T20 वर्ल्ड कप खतरे में है, आपको पता नहीं कि आप ये जो दुनिया भर में जो T20 लीग्स हो रहे थे, जो आए दिन उमर को पता है, उमर काफी उस पर रिपोर्टिंग कर चुके हैं, जो होते रहते हैं, उनका क्या होगा, कौन पैसा डालेगा उसमें, किसी को पता नहीं है। और आप ये भी देखें कि ये जो जैसे विक्रांत जी ने कहा स्टार स्पोर्ट्स इस वक्त सारा दारोमदार सब लोग स्टार स्पोर्ट्स पे लगा रहे हैं, क्योंकि आज क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसा जिस कंपनी ने लगाया है वो है स्टार स्पोर्ट्स, जिन्होंने IPL, BCCI और ICC तीनों राइट्स खरीदे हुए हैं। अगर उनके ऊपर जितना प्रेशर है आज के दिन में, मेरे ख्याल से कोई भी और स्पॉन्सर नहीं है जिनके ऊपर इतना प्रेशर है। और मार्केट में जैसे विकास जी ने कहा पैसा बिल्कुल कम हुआ है, जबकि खत्म हो चुका है मेरे हिसाब से, बहुत वक्त लगेगा। और मैं ये सिचुएशन देख रहा हूँ कि जैसे 90s में होता था, टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट टीवी राइट्स बिकते थे, आप देखेंगे कि सीरीज बाय सीरीज टीवी राइट्स बिकेंगे। अगर पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड खेल रहे हैं तो वो सीरीज के राइट्स बिकेंगे, बाकी जो सीरीज है उनके राइट्स बिकना बहुत मुश्किल होगा। शायद हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं डिजिटल उस पे ज्यादा दिखेगा, टीवी पे कम दिखेगा, आप लोग देखेंगे। नहीं, चंद्रेश देखिए, मतलब शॉकिंग चीज ये है कि हम बात करते हैं अगर पैसों के लिहाज से, चलिए बात करें या क्रिकेट के खेल के लिहाज से बात करें, आप कहते हैं इंडिया की मार्केट, आप कहते हैं इंग्लैंड की मार्केट, आप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की मार्केट। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया, वहां पे लॉसेस हो गए, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने एम्प्लॉयज को निकाल दिया, उनके पास तनख्वाहें नहीं है देने के लिए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भारत को कह रहा है प्लीज हमारा, आप जो मर्जी करो ना करो, प्लीज जी बायलैटरल सीरीज के लिए आ जाओ, विंटर में आप एक ही शहर में रहो, एडिलेड ओवल में ही सारे टेस्ट मैच खेलो, वहीं पे एक होटल बन रहा है उसी में आपकी टीम रहे, वहीं प्रैक्टिस करे, प्लीज कहीं मत जाओ। अब भाई किले में थोड़ी रहते हैं, किले में जंग लड़ी जाती है, रहा नहीं जाता। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का इतना बुरा हाल है, वो कह रहे हैं जी हमें $400 मिलियन चाहिए, इंडिया यू प्लीज कम। बट इस सिचुएशन में इंग्लैंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से बेहतर है, इंग्लैंड वुड ऑल्सो वॉन्ट जैसे चंद्रेश ने कहा इंडिया आके खेले। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के साथ तो खेलता नहीं, तो पाकिस्तान अब क्या करेगा? श्रीलंका क्या इंडिया बहुत ज्यादा खेलेगा? क्या इंडिया वेस्ट इंडीज को बहुत ज्यादा खेलेगा? क्योंकि जैसे क्रिकेट खुलेगी हर कोई कहेगा ना कि मैं अपने घोड़े को दौड़ा लूं। तो ऐसे में मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का अब रोल अलहदा हो जाता है। ठीक है, जो भी डिफरेंसेस आपके मुल्कों के बीच में है नहीं है, बट आई थिंक इंडियन क्रिकेट बोर्ड को अब अपने से ऊपर उठ के
दुनिया भर के बारे में सोचना होगा। और इसमें मुझे लगता है चंद्रेश शायद बातों बातों में इशारा कर गए हैं आईसीसी। आईसीसी के वजूद पर बहुत बड़ा सवाल है। आईसीसी और बीसीसीआई इस वक्त ऐसे खड़े हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं, और देखना यह होगा कि आईसीसी सिचुएशन से कैसे निकल पाता है। बिकॉज आपके जितने आईसीसी के प्लान्स हैं, भले वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हो, सुपर लीग हो, वर्ल्ड टी20 हो, हर कुछ तो फंस गया ना, और वो सब कहां से आता था? हिंदुस्तान के पैसे से। तो ऐसे में मैं ये चाहूंगा कि बीसीसीआई जिस भी बोर्ड के साथ, जिस भी मुल्क के साथ अपने डिफरेंसेस हैं उनको बुलाए और एक एक बड़े भाई का रोल अदा करे, क्योंकि दुनिया भर में अगर पैसा कोई भी बोर्ड डूब गया तो क्रिकेट का खेल डूब जाएगा। क्रिकेट चार मुल्कों में नहीं चलेगी। क्रिकेट के लिए आपको अच्छे 6-8 टीमें चाहिए, जिनमें से पाकिस्तान भी एक है। एग्जैक्टली। सो मतलब अभी हम इस बात का क्रैक्स ये निकाल सकते हैं कि वी वोंट बी एबल टू सी पाकिस्तान इंडिया प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर एंड वी आर सपोज्ड टू मिस दैट चार्म इन द ग्राउंड्स, राइट? उमर, विक्रांत एंड चंद्रेश। नहीं नहीं, ये तो होगा, बिकॉज देखिए वो अगेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के आज से नहीं, अगर आप अर्ली 80s से बात करें, तालुकात बड़े अच्छे हैं इन दोनों ने मिलके। 87 में वर्ल्ड कप कराया, फिर 96 में कराया, 2011 में आप देखिए कितना शानदार वर्ल्ड कप हुआ। बट फैक्ट इज अरमाला कि ये अब मुल्कों के दरमियान फासला इतना बढ़ गया है कि क्रिकेट बोर्ड के हाथ में ये गेम है ही नहीं। आई थिंक द क्लोजेस्ट वी केम टू प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर वाज 2015 में, आई थिंक, हाँ 15 में, जब वो खबर उड़ी थी कि भाई अब शायद एक सीरीज हो जाएगी, न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाएगी। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के वो गए थे और नवाज शरीफ साहब घर गए, तो दैट वाज द क्लोजेस्ट। और बुरा ना मानिए, उस वक्त मुझे जो मेरे पास जानकारी है उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि 100% सीरीज हो जाएगी। शायद थोड़े से ना पीसीबी शाहरियार खान साहब थे, शायद वो थोड़े से ना उन्होंने 2-3 ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए कि आज बताओ, शाम को बताओ, रात को बताओ, वो गाड़ी छूट गई, क्योंकि दैट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। वहां पे अगर क्रिकेट शुरू हो जाती तो आप देखते कि दोनों मुल्कों के बीच जो फासला है ना वो भी कम। उमर, व्हाट डू यू से कि हमें शायद जी जी उमर कंटिन्यू जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो 2015 की बात करें, इसमें जाइल्स क्लार्क इन्वॉल्व हुए थे, चंद्रेश आई थिंक उस वक्त दुबई में बेस्ड था तो प्रॉब्ली ज्यादा क्लोजली वॉच करता होगा। उसमें काफी चीजें इन्वॉल्व हुई थी, शहरियार खान साहब, नजम सेठी साहब, सुभान अहमद और एक साहब, एक आई थिंक शहरियार साहब की वाइफ मुंबई गए थे, वहां पे एक वाक्य हुआ था, उसके बाद से एकदम चीजें दोबारा से करीब आने को जब एकदम दोबारा फैल गई और दूर हो गई खराब से खराब, और वो आज तक वो डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ, चीजें इतनी आगे चली गई। और देखिए पाकिस्तान की जो इंडिया पाकिस्तान की रेवलरी की बात है, जब हम पीपल टू पीपल बात करते हैं, इस वेरी प्रेजेंट, आप अपने लोगों को जो बताएंगे दे विल बिलीव, आप अपने लोगों को कन्विंस करेंगे मोहब्बत के लिए, मोहब्बत के लिए तैयार हो जाएंगे। ये नैरेटिव हम मीडिया वालों का है, और जो विक्रांत ने बात की कि अब जो डायनेमिक्स है, जो नैरेटिव्स है वो इतने ज्यादा बदल गए, इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि उनसे वापस आना बड़ा मुश्किल काम है। और प्रॉब्ली यस, आज से कुछ शायद 8 साल पहले आप ये बात करते तो थोड़ा बहुत ईजी था पाकिस्तान इंडिया के मैसेज को लाना, लेकिन जब से ये पिछले प्रॉब्ली 8 साल कह लें आप या 7 साल कह लें, चीजें काफी बदल गई हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट चेंज हो गई, इंडिया में गवर्नमेंट का कुछ डायनेमिक चेंज हो गए, और आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है टुवर्ड इंडिया वो एंटी स्पोर्ट्स कभी नहीं रहा। पाकिस्तान ने ये कभी नहीं बोला कि हम नहीं खेलेंगे क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के हालात अच्छे नहीं है, पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है, ये कंसिडर किया जाता है तो हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान में इवन के सियासी लेवल पे, स्पोर्ट्स लेवल पे एक आम बनने की जो माइंड सेट है वो एंटी इंडिया नैरेटिव लेके नहीं चल रहा होता है। पाकिस्तान में जो सियासत होती है वो भी एंटी इंडिया नैरेटिव के साथ नहीं होती है। यहाँ पे जो परसेप्शन अबाउट इंडिया है वो टोटली डिफरेंट है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या, आम आप एक जर्नलिस्ट क्या, एक आम राह चलता हुआ आदमी क्या, जो किसी हद तक किसी सिर्फ फैन की बात करें हम, वो एंटी इंडिया नैरेटिव से उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। वो कहता है क्रिकेट खेलिए, खेलो, नहीं खेलिए, नहीं खेलो, ना खेलो, खेलिए तो खेलो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। लेकिन अब पिछले 7-8 साल से डायनेमिक्स और नैरेटिव इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं कि प्रॉब्ली पाकिस्तान में भी इसके असर पड़ना शुरू हो गया कि यार काफी इश्यूज हो रहे हैं, ये बेहतर है कि क्रिकेट ना ही हो। जब तक चीजें गवर्नमेंट लेवल पे बेहतर नहीं होती, जब तक थोड़ा फ्रेंडली माहौल नहीं होता, क्योंकि इससे पहले चंद्रेश प्रॉब्ली शायद पाकिस्तान भी आए हैं, 2006-5 की जो सीरीज थी जब इंडिया पाकिस्तान, इंडिया और इंडिया पाकिस्तान आया था, वो माहौल जो था इतना वार्म किस्म का माहौल था कि लोग वो भी एक टाइम था पाकिस्तान इंडिया का, वो भी टाइम था कि लोग इतनी मोहब्बत से एक दूसरे को वेलकम कर रहे थे।
आई पर्सनली फील कि इस अबाउट नरेशन कि इंडिया में क्या नरेट किया जा रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान में नरेट किया जा रहा है इंडिया को, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ नैरेटिव कि दोनों मुल्कों में नैरेटिव किया जाता है. इंडिया में प्रॉब्लम थोड़ा नैरेटिव एंटी पाकिस्तान, क्योंकि वहां पे सियासत जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं एंटी पाकिस्तान नैरेटिव के साथ वहां पॉलिटिक्स होती है और वहां पे लोगों से जो वोट मांगे जाते हैं एंटी पाकिस्तान लेवल पे. ठीक हो गया चंद्रेश, जिस तरह से उमर ने अभी बोला कि यू हैव एक्सपीरियंस दैट थिंग, जब आप प्रकाश रफ हो, सॉरी उमर मशरफ हो, उन्होंने डिस्टर्बेंस है, दैट्स व्हाई वी कुडंट हियर यू प्रॉपर्ली. इसलिए आई एम थ्रोइंग अ क्वेश्चन टुवर्ड्स चंद्रेश. चंद्रेश, जिस तरह से अभी उमर ने बोला कि आप जब आप आए 2006 में, यू हैव एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ स्टफ. यस आई कैन हियर यू उमर, तो टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस चंद्रेश. 2000 मैं एक्चुअली 2004 में आया था और 2006 में एक मैच के लिए आया था और मैंने और विक्रांत भी थे मेरे साथ 2004 और 2006 में. जो एक्सपीरियंस था, विक्रांत भी मानेंगे कि वो जो एक्सपीरियंस था, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट टूर्स दैट आई हैव डन एज अ जर्नलिस्ट. 2004 का 15 साल बाद सीरीज हो रहा था और वो माहौल ही अलग था. जैसे उमर ने कहा, इट मोर देन द नैरेटिव्स, आई थिंक इट्स अबाउट द फैक्ट दैट दोनों कंट्रीज जब एक पेज पे हो, जब 78 में जब दोनों कंट्रीज एक पेज पे थे तो एक सीरीज हुआ था. फिर 78 से 89 तक हर साल सीरीज ऑलमोस्ट हो रहा था. फिर उसके बाद आपने देखा 90s में टोरंटो में शुरू हुआ और वापस शारजा में शुरू हुआ और उसके बाद फिर जाके 99 में एक सीरीज हुआ और उसके बाद एक 5 साल का गैप था. फिर 2004 से 2007 तक एक माहौल बन गया था सीरीज का. 2004 तक अगर मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ तो मुझे याद है कि हम खाना खाने जाते थे, कोई पैसा नहीं लेता था. ऑटो, रिक्शा, टैक्सी, कहीं पे भी जाओ तो कहते थे आप तो हमारे भाई हो, आप हमारे मेहमान हो, हम आपसे पैसा नहीं लेते. और ऐसा खुशनुमा माहौल था कि आपको एक अच्छा लग रहा था. विक्रांत जी और मैंने काफ़ी वक्त बिताया है पाकिस्तान में, लाहौर और इस्लामाबाद, कराची, सब जगह हमने काफ़ी वक्त बिताया. हम पिछले हफ्ते भी एक चैट कर रहे थे तो विक्रांत जी बता रहे थे किस तरह से पीटीवी के एक ऑफिस के ऊपर छत पे बैठ के वो जहीर अब्बास का इंटरव्यू कर रहे थे और मैं नीचे से उनको बुला रहा था. आप लोग लाहौर के फूड कोर्ट में और जो मुलाकातें होती थी, बातें होती थी, वो अलग ही लेवल था. वो 2004 का सीरीज था. 2006 में भी वैसे माहौल था. आप बिलीव नहीं करोगे कि जो हमने 2004 में लाहौर में वनडे मैच में देखा, इंडियन फ्लैग्स वेविंग बीइंग वेव्ड इन लाहौर गद्दाफी स्टेडियम और इंडियन फैंस सब जगह, सारे लोग एक साथ गुल मिल रहे हैं. इमरान खान कहीं पे हैं, कहीं पे कोई और स्टार है, सारे लोग आए हुए हैं. वो मैच देखा और उसके बाद हमने मुल्तान में भी देखा जिस तरह से जब सहवाग ने 309 मारा तो क्राउड में कोई भी नहीं था, एकदम खाली स्टेडियम था, वो भी देखा हमने. तो हमने सारा कुछ देखा. और जहां तक आप नरेटिव की बात कर रहे हैं, हर गवर्नमेंट का, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक नैरेटिव होता है, वो अपने नैरेटिव के हिसाब से चलते हैं. एक वक्त आएगा जब दोनों मुल्क एक साथ फिर से क्रिकेट खेलेंगे. वो वक्त जब आएगा हमें पता भी नहीं चलेगा कितने आसानी से आता है और माहौल बदल जाता है और क्रिकेट होता है. 2004 में मुझे अभी भी याद है, विक्रांत जी को भी याद है, आखिरी वक्त तक हमको नहीं पता था कि हम फ्लाइट में चढ़ने वाले हैं कि नहीं चढ़ने वाले हैं. मैं सही बात है, आखिरी वक्त तक हमें नहीं पता था कि सीरीज होने वाला है या नहीं होने वाला है. हर रोज मैं आपको बताऊं कि मेरे जो वालिद साहब हैं, उनका जन्म जो है वो, उनका बर्थ लाहौर का है. तो 2 साल उनकी उम्र थी जब पार्टीशन हुआ, तो ऑब्वियसली वो अमृतसर आकर रहे हैं और मैं इंडियन पंजाब, मेरा अमृतसर ही मेरा बर्थ है. तो 70s में ना टेलीविजन जो पीटीवी है आपका, पाकिस्तान टेलीविजन, वो अमृतसर में देखा जाता था. अब लाहौर अमृतसर तो पत्थर फेंको, लाहौर से तो अमृतसर आता है, अमृतसर से लाहौर. तो जी मैं तो बड़ा हुआ हूँ पाकिस्तान टेलीविजन देख देख के. ओ तारिक अजीज साहब जो है वो नीलामगर करते थे, देखती आंखों सुनते कानों, तो हम तो फैन थे. और उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब पाकिस्तान 2004 में गया हूँ तो मेरे लिए एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन थी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू एम्ब्रेस पाकिस्तान का कल्चर. भाई मैंने बचपन से देखा था टेलीविजन पर, महसूस किया था. इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट राइवलरी जो 80s में थी, 90s में थी, वो भी हमें पता थी. तो मैं जब लाहौर लैंड हुआ हूँ पहली बार शाम को, आई थिंक 6:30 बजे, तो बाहर आया हूँ मुझे याद है. और मेरे पास 1-2 घंटे थे क्योंकि मैंने शाम की ही फ्लाइट लेके कराची जाना था. आपको याद होगा 2004 में पहला मैच वनडे कराची खेला जाना था, जिसमें आई थिंक कुछ 36 घंटे बाद मैच था, कुछ समथिंग लाइक दैट.
तो मैंने कहा मैं यार बाहर जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, मैं ना बाहर जाके खड़ा हुआ, बाहर जाके खड़ा हुआ, वो कोई टैक्सी वाला को, मैंने आंखें बंद की, ठीक है जी, मैंने आंखें बंद की और जो आपस में बात करते ना पंजाबी में, कोई गाली दे रहा है एक दूसरे को, कोई प्यार से कह रहा है, कोई ऐसे कह रहा है, तो मुझे ऐसे लगा यार मैं अमृतसर में खड़ा हूँ, बिकॉज अमृतसर में जिस तरह से पंजाबी बोली जाती है हूबहू वही लाहौर बोली जाती है। आप लाहौर से मुल्तान चले जाएं आपकी पंजाबी अलहदा हो जाती है, हमारे यहाँ पे अमृतसर से जलंधर चले जाएं अलहदा हो जाती है somehow, and I'm not joking, अमृतसर और लाहौर की पंजाबी और बोलने का तरीका एक था। तो खैर मेरे वालिद साहब भी आए, 8,000 लोग आए थे, आपको याद होगा वनडे मैचेस, उन्होंने टेस्ट मैच देखा था शायद वो जिसमें उमर गुल ने पाकिस्तान को जिताया था दूसरा टेस्ट मैच, तो बड़े खुश हुए। 2004 तो ऐसे ही निकल गया, और मैंने ना सिर्फ 2006 का वो दौरा किया पूरा जिसमें मुशर्रफ साहब ने ग्राउंड में खड़े होकर कहा था धोनी को डोंट कट योर हेयर, एंड आई वाज दिस क्लोज, मैं उनके इतनी पास तक पहुंच गया था इंटरव्यू के लिए, मैं ऐसे माइक, मैं ग्राउंड पे चला गया था और मैंने माइक ऐसे किया, उन्होंने मुझे देखा और वो मेरे पास आए, बट उनके सिक्योरिटी एडवाइजर ने उनको ऐसे कर दिया, तो मैंने कहा लो जी। मैं 2005 में भी आया था और 2005 में मैं 4 दिन के लिए आया था, ये वाक्य बड़ा आपको सुनना चाहिए। तो मैं 5 दिन के लिए आया था, पाकिस्तान ने जब इंडिया आना था इंजी भाई की कप्तानी में, तो इनका कैंप लगा हुआ था लाहौर में, लाहौर में मैं पहुंचा, एंड आई वाज दी ओनली इंडियन जर्नलिस्ट ऑब्वियसली, हमारे आज तक चैनल ने मुझे भेजा, और तब तक पाकिस्तान में अपनी दोस्तियां तो हो चुकी थी, तो लो जी मैं पहुंच गया, और मेरे पास कैमरा नहीं था, मेरे पास कैमरा मैन भी नहीं था। जियो न्यूज जो आपके पाकिस्तान के हैं उनसे हमारा इतना गहरा रिलेशनशिप था कि उन्होंने कहा विक्रांत भाई ऐसे ही आ जाएं, मैं पहुंच गया जी उनके साथ, उनके उनके कैमरा पर्सन ने मेरे सारे इंटरव्यूज किए, और आपकी टीम ने कल आना है जिस फ्लाइट में, उसी फ्लाइट में मैंने भी आना है, तो आज रात को एनसीए लाहौर में डिनर रखा गया, ठीक है जी, मैंने सबके इंटरव्यूज कर लिए हैं, और उस डिनर में ब्लैक कलर का पठानी सूट पहन के आते हैं इमरान खान साहब, ठीक है, आई थिंक उनके पास कोई एसयूवी थी अभी मुझे याद है व्हाइट कलर की, इस्लामाबाद से आए थे वो, और फरवरी का महीना था या मार्च में बोल रहा हूँ, बट ठंड थी हल्की हल्की, तो जी मैंने तो ये था कि इमरान खान का इंटरव्यू करना ही करना है, ठीक है जी। वो उन्होंने आपको याद होगा उन्होंने टीम को मोटिवेशन लेक्चर भी दिया अंदर, और वो बाहर आए और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी थे सारे यहाँ पे, लाइन लगी हुई टीवी कैमरास के साथ, और इंजी भाई उनको इमरान भाई को ऐसे छोड़ने आए, इमरान खान द ग्रेट इमरान खान, मैंने उनके पास हिम्मत जुटा के मैंने कहा कि इमरान भाई मैं ना इंडिया से आया हूँ, तो मतलब आप क्योंकि प्लेयरों को एड्रेस करके आए हैं इस सीरीज पे, एक छोटा सा इंटरव्यू चाहिए। तो मुझे कहते यार मैं कर नहीं सकता, मैंने कहा जी मैं जैसे होता है हमारा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे लिए जिंदगी का बहुत बड़ा मोमेंट है, आप इंडिया पाकिस्तान ये वो, देखिए जी मैं रात के 10 बज चुके, मैं रात के 10 बज गए हैं, अब मुझे ना गाड़ी चला के जाना है, मैं आपसे इंटरव्यू करूंगा तो बाकियों को भी देना पड़ेगा, उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला। तो सोहेल इमरान थे, सोहेल इमरान जियो न्यूज लाहौर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने पता क्या कहा, और उन्होंने अपने बिहाफ पे और जितने टीवी चैनल्स थे वहां पे सबके बिहाफ पे कहा कप्तान जी आप इन्हीं को इंटरव्यू दे दें, हम नहीं करेंगे, हमें आप जॉइंट बाइट्स 2 मिनट की दे दीजिए। आपको लगता है कि वो मोमेंट मैं कभी भूल पाऊंगा, तो इमरान खान मुझे कहते अच्छा फिर करिए, और मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैंने दुनिया भर में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों के इंटरव्यू किए हैं, बट एट दैट मोमेंट आई वाज सो टच्ड कि यार बताइए। और ये जब आप पूछिए आपकी टीम जब 2005 में आई मोहाली में पहला टेस्ट फिर पूरा, और आप अपने जर्नलिस्ट जो है उन दोस्तों से पूछिए, पूरी उनकी खातिरदारी की गई, हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 2017 चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड था अरमला और पाकिस्तान ने ना इंडिया को फाइनल में हरा दिया, अब पाकिस्तान को बिकॉज इंडिया ने पहले लीग मैच में बुरी तरह हराया था, तो हमें लग रहा था यार आराम से हम फाइनल जीतेंगे, बट पाकिस्तान प्लेड आउटस्टैंडिंग दैट डे, ठीक है जी, इंडिया वन साइड हार गया ओवल की ग्राउंड में, क्योंकि मुझे अब यूके में आज तक बहुत देखा जाता है और हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक भी, तो वहां पे इंडियंस भी देखते हैं, पाकिस्तानी भी देखते हैं, बांग्लादेशी भी देखते हैं, तो ओवल की ग्राउंड पे मैच खत्म जब होने वाला था, मैं उधर से पैदल ग्राउंड के अंदर से आ रहा था और अपना लाइव करने के लिए, मेरे साथ सौरभ गांगुली हरभजन सिंह लाइव बाहर से खड़े होने थे, बहुत सारे पाकिस्तानी जो शाकीन थे तो बहुत खुश थे इंडिया जीत, पाकिस्तान जीतने वाला है, वो मुझे मिले, उन्होंने कईयों ने मुझे गुप्ता साहब तुम्हारी टीम को हरा दिया, बट बड़ी रिस्पेक्टेबल तरीके से, उन्होंने मेरे से फोटो भी खिंचाई, उन्होंने कहा यार, मैंने भी उनको जी मैंने कहा यार मेरी पिटाई ना हो जाए, मैंने कहा अरे भाई आपकी टीम तो ये वो, मैं बाहर आ। उसके बाद क्या हुआ, जब पाकिस्तान की टीम जीत गई ना, मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं एक दो दिन लंदन था, तो पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स थे जिनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उन्होंने मुझे कहा जी आपको लाइव लेना है, मैंने कहा ठीक है जी, कोई किसी ने बीपर लेना है, और भाई मुझे लेके मुझे को गालियां देते थे आपकी टीम ये, मैंने कहा यार आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हो उसको एंजॉय करो,
आप इंजॉय करो। और उसी का देखिए खामियाजा क्या हुआ 19 में, मैंने उस वक्त कहा था, मैं कहा आपकी टीम ने बहुत अच्छा खेला यार, आप अपनी जीत को एंजॉय करो, आप मुझे या हिंदुस्तान को नीचा दिखा के क्या हो जाएगा, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते हो। आप उस टाइम के मेरे बीपर या कुछ निकाल के देखे यूट्यूब पर आपको मिलेंगे, तो मैं कहता था यार मुझे गरीब आदमी को क्यों ले लिया भाई, ना तो मैं प्लेयर हूँ ना मैं कुछ लेना मेरा देना, तो ये बट ये है कि आज भी अगर आप देखें 90s के जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं या अर्ली 2000s के पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, दे आर वेरी फेमस इन इंडिया, दे आर द स्टार्स इन इंडिया इवन नाउ। और मेरा जो मैंने अभी यूट्यूब चैनल है कॉर्नर क्रॉनिकल्स, उस पर भी आप देखें सबसे ज्यादा जो मुझे व्यूज आते हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स उस वक्त के लोगों के, उनसे दोस्ती भी अच्छी हुई है उन्हीं की वजह से आती है। विक्रांत जी भी बिल्कुल नहीं बोलेंगे, 2004 में जब इंजमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे सीरीज हारने के बाद लाहौर में, विक्रांत आपको याद है एक जर्नलिस्ट ने कहा था क्या ये मैच फिक्स्ड है, ये मैच फिक्स्ड है, तो इंजमाम ने इतने सिनेमैटिक पॉज लिया उनके स्टाइल में, रुके और उन्होंने कहा शट अप, और उसके बाद जो माहौल बना पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में हम सब हंस पड़े, हम एक दूसरे का चेहरा दिख रही है ये क्या हो गया। वही सवाल किसी ने राहुल द्रविड़ से पूछा उसी मैच के बाद, तो उसने बड़े कायदे से बोला कि विल समबडी टेक दिस मैन आउट ऑफ द रूम, बट जब इंजमाम ने कहा शट अप तो वो भी बड़े सिनेमैटिक पॉज के बाद। चौथा वनडे मैच था और पाकिस्तान, मुझे याद है उस मीडिया ने हड़ताल कर दी थी, उन्होंने कहा था कि फिफ्थ मैच वी विल बॉयकॉट, और आई थिंक इंजी भाई हैड टू कम एंड अपोलोजाइज मैच से ठीक एक दिन पहले, मुझे याद है जब उनको जवाब नहीं देना, ही जस्ट टेक अ बैक सीट और जस्ट उसको देखते हैं बंदे को घूरते हैं और दैट्स इनफ, आप वो आंखों से बात करते हैं, वो ऐसे बैट से वो एनल्ड द बॉल आउट हो गए थे, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, तो उस वक्त ना हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, तो हम हर मैच के बाद मैं शाम को उनका इंटरव्यू करता था ग्राउंड में, तो मैंने पूछा उनको, मैंने कहा इंजी भाई तो उससे एक मैच पहले उन्होंने ऐसे छेड़ा नहीं था, वो रनआउट हो गए थे उस मैच में, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट हो गए, कहते यार ये जॉन सा यार रोक दो तो आउट दे देते हैं, ना रोको तो आउट दे देते हैं, तो बंदा करे तो क्या करे, मुझे मतलब आई वाज इंस्पिरेड, मैंने कहा यार बताओ कितने आराम से उन्होंने बोल दिया। और आप देखें और आज भी आप देखें पाकिस्तान में जो भी डिस्कशन हो रहा है वो 90s के मैचेस के बारे में ही हो रहे हैं, आप देखें हर चैनल पे राशिद लतीफ, आमिर सोहेल, सलीम मलिक, अताउर रहमान, ये सारे लोग बात कर रहे हैं। मैं वही विक्रांत जी से बात कर रहा था कुछ दिन पहले कि हिंदुस्तान में हमको इतना एंटरटेनिंग कंटेंट कभी नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा और वहां पे और उमर आप भी कुछ ऐसे हैं बाद में मजेदार किस्से सुनने को हमें, ये कंटेंट आहिस्ता कंटेंट चंद्रीश थोड़ा कम होना शुरू हो गया पहले से, जितना पहले गर्मा गर्मी आप लोगों ने देखी है, बहुत मसाला बेचा है पाकिस्तान में, लेकिन बल्कि इंडिया में भी काफी मसाला बिका है ये सलीम मलिक के मामला को लेकर, लेकिन प्रॉब्ली अब चीजें एकदम टोन डाउन हो रही है। और वो चंद्रीश की जो विक्रांत की जो बात थी ना कि पहले एक अलग माहौल था, और उसके बाद जब 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मीडिया का बिहेवियर, जो मैं नैरेटिव की बात कर रहा था वो यही बात कर रहा था कि पहले 2006-07 में जो आपके जो एटीट्यूड थे दोनों तरफ से एक दूसरे के, मीडिया हो, आम पब्लिक हो, सियासतदान हो, आपका टॉप लेवल पे लोग हो, तो वो डिफरेंट था। आई थिंक सोशल मीडिया का कसूर कह लें, बिकॉज जहाँ पे ओपिनियन लिखनी इतनी ज्यादा खुल गई है कि हर बंदा जो है जो उसके दिल में बोल रहे हैं, वो कोई फिल्टर्स नहीं है, कोई गेट वो गेट नहीं लगा हुआ कि यार लोगों को कैसे रोकना है, तो प्रॉब्ली ये उसका उसी वजह से डैमेज ज्यादा हो रहा है। छोटी बात होती है, बात करते करते अपने इमोशन इतने ज्यादा लोग एक्सप्रेस करते हैं, आजकल मीम का टाइम शुरू हो गया, एक दूसरे को चुड़ाने की बात शुरू हो गया, लोग अपने आप को एंटरटेन करने की जो एक मयार है वो आई थिंक मयार काफी नीचे गिर गया है वो बेसिकली, जिसकी वजह से लोग अलग लेवल पे जाकर डिस्कस करते हैं गेम को ठीक ओवर भाई। और देखिए क्रिकेटर्स का भी मैं कसूरवार मानूंगा दोनों तरफ, वो भी एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं मतलब थ्रू सोशल मीडिया ऑफ कोर्स, कि लगता है कि भाई इसने दो कत्ल किए थे, इसने चार कत्ल किए थे, तो मुझे लगता है कि
मीडिया भी इसे कुछ नहीं कर सकता। मीडिया भी आप अच्छी बात बोलेंगे तो इधर से गाली खाएंगे, बुरी बात बोलेंगे तो उधर से गाली खाएंगे, तो गाली खानी है तो कोशिश ये कीजिए सच बोलिए। बट ये है कि वो बीच में एक फेज आया था जहां पर आप देखें, मैंने देखा है सचिन तेंदुलकर की इज्जत पाकिस्तान में, मैंने देखा है शाहिद अफरीदी को जो आज इंडिया के अगेंस्ट बोलते हैं, मतलब आई विल नॉट मिंस माय वर्ड्स, वो बहुत बोलते हैं कश्मीर के बारे में बोलते हैं, मुझे लगता नहीं उनको बोलना चाहिए, लेकिन वही शाहिद अफरीदी है। एक एयरपोर्ट था, छोटा सा एयरपोर्ट था, और पाकिस्तान की टीम खड़ी थी लाइन में और इंडिया की टीम पीछे से आई, मैं भी था, तो लाइन में खड़े थे, तो शाहिद अफरीदी ने ऐसे पीछे देखा तो सचिन को कहा जी आप आगे आ जाओ, तो वो उनको आगे खड़ा कर दिया। तो अब यूवी, नेहरा, हरभजन, अफरीदी ये दोस्त है आपस में, तो युवराज ने कहा और लाला यार साढ़े वास्ते नहीं तू कभी लाइन की जगह बनाई, तो शाहिद अफरीदी ने कहा तू पाजी जैसा बनना मैं तेरे लिए भी कर दूंगा। तो मैंने वो भी वक्त मैं अभी स्विट्जरलैंड गया, मैंने शाहिद अफरीदी को देखा उस वक्त भी, बट फिर वही बात होती है ना, वेन यू ट्राइंग टू अपील और केटर, सिर्फ अफरीदी इंडिया में भी मैं कह रहा हूँ, वेन यू आर ट्राइंग टू केटर टू अ टारगेट ऑडियंस, आप ये क्रिकेटर की एक मर्यादा होती है ना, सिर्फ अपने ड्रेसिंग रूम बल्कि आप सामने वाले प्लेयर को भी वो रिस्पेक्ट देते हैं, तो एक दोनों तरफ से वो चीज चली गई है। थोड़ा सा अपने ऑडियंस के साथ भी इंटरेक्ट करें व्हाइल थ्रोइंग क्वेश्चंस इन, सो लेट्स टॉक अबाउट फ्यू क्वेश्चंस ताकि हम उस पे भी साथ साथ कर लें। जी चंद्रेश से सवाल है, व्हाट अबाउट टी10 यूएई क्लोज डोर होगा? जी चंद्रेश साहब, शिराज विभाग मुगल ने आपसे सवाल किया। टी10 मेरे ख्याल से क्लोज डोर ही होगा क्योंकि यूएई में केसेस कम नहीं हो रहे हैं, बट वहां पे स्ट्रिक्ट है रूल्स, तो मेरे ख्याल से वो क्लोज डोर ही होगा। और बट मेरा नहीं ख्याल कि नवंबर में होगा, मेरा ख्याल है उसके बाद ही होगा, दिसंबर जनवरी तक होना चाहिए टी10। इसका जवाब मेरे से मेरे पास है, जैसे न्यूज़ एक घंटा पहले सैजन न्यूज़ साहब से बात कर रहा था कोई एक घंटा पहले, तो उन्होंने बताया कि नवंबर की आई थिंक 19 तारीख से शुरू होगा, उन्होंने डेट्स दी अपनी तरफ से गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ, और क्लोज डोर की बात उनसे मैंने जब की तो उन्होंने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, उन्होंने बोला नहीं बाय द टाइम जो है चीजें बेहतर हो जाएंगी, और ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि टी10 लीग हो रही है और हमारी ये डेट्स है, और हम अब हम गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस है उनको हमने टी10 के बारे में मैंने जो भी सीखा है, जो सच होता है वो आज का सच होता है और तब का सच होता है, जब होगा तब। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक विक्रांत, यू वर सपोज्ड टू ब्रेक समथिंग, हम ये जानना चाहते हैं। मैं तो मतलब नहीं, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो मुझे हल्की सी वहां से स्मेल आई है मैगी बनने की। अरे तो आप समझ सकते हैं मैगी बन रही है वहां पे, तो मैंने अचानक से मुझे मैंने कहा मैं आपको बता दूं, शेयर कर दूं, और अगर आप ने खाना नहीं खाया है और आपका टेस्ट हो, एंड मैगी इज वेरी इजी टू मेक, यू डोंट हैव टू कुक, गर्म पानी में मिलाना है बस, हो गया इजी। बट पानी मुझे पानी बर्तन भी साफ करना है भाई, पानी से बनेगा नहीं, समझे नहीं, मैं तो खाना नहीं, मेरा आज मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया हुआ, मैंने वेट पुट कर लिया भाई, मैंने आज शाम को खा लिया, अब कल 16 घंटे का मैं वो फासला रखता हूँ। अब ये मुझे टेंशन हो रही है कि एक तो स्मेल बर्तन धोने, इतनी बड़ी टेम्पटेशन, और बर्तन भी धोने, और ये बच्चे क्या करते हैं मैगी में, मैं इनको कहता हूँ यार बना के उसको रात को पानी डाल दिया करो ना, ताकि सुबह वो खुरदना फिर मांजरा पड़ता है। ओए बड़ी दिक्कत आ रही है। सवेरा पाशा इज विद अस, सवेरा इज सेइंग डू यू थिंक इफ पाक एंड इंडिया स्टार्ट प्लेइंग बायलैटरल सीरीज टेस्ट अगेन, डू यू थिंक इट विल हैव अ बिगर स्टेटस देन द एशेज? डेफिनेटली नहीं होगा, भी नहीं डेफिनेटली, पॉपुलेशन देख ले, हाँ होगा नहीं, मेरे ख्याल से वो लेवल नहीं होगा, क्योंकि आप देखें कि स्टार्स वो नहीं है जो पहले होते थे। इंडिया में भी आप देखें, मैं और विक्रांत भी बात कर रहे थे इस कार में, इंडिया में भी एक या दो ही स्टार हैं सुपरस्टार, उसमें से सिर्फ एक है विराट कोहली और दूसरे साइड पे है बाबर आजम, वो राइवलरीज नहीं है जो पहले होते, लेकिन आता था वो राइवलरी बिल्कुल नहीं है दोनों टीम्स में, बिकॉज प्लेयर की क्वालिटी उस लेवल की खेलते नहीं ना, राइवलरी भी नहीं है, मतलब खेलेंगे राइवलरी होगी, खेलते ज्यादा हो तो फिर अभी हाल फिलहाल में आईसीसी टूर्नामेंट्स में खेलते हैं, तो इंडिया चैंपियनशिप फाइनल
आपको याद होगा उसपे भी कोई ऐसे बड़े नाम नहीं थे पाकिस्तान की तरफ से। इंडिया में भी एक या दो ही सुपरस्टार है, वो बात नहीं है जैसे पहले जमाने में कपिल देव, गावस्कर, वेंगसरकर, शास्त्री, ये सारे स्टार्स होते थे। फिर उसके बाद द्रविड़, गांगुली, तेंदुलकर, सहवाग, कुंबले, ये सारे स्टार्स होते थे। अब आप देखें इंडिया में आपको गिन चुन के एक या दो नाम याद आते हैं। वनडे क्रिकेट में आप कहें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली, और टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ विराट कोहली। तो आपके पास और उस तरफ से सिर्फ बाबर आजम है, 22 प्लेयर नहीं है, 22 प्लेयर नहीं है कि वो आपको दिखाने के लिए। और बाबर आजम की आपने बात की है, सबसे पहले तो सवेरा पाशा जी को मेरा नमस्कार सलाम, बिकॉज मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इनका, बहुत अच्छा काम करती है। बट दूसरी तरफ बाबर आजम, यार बाबर आजम में जो पोटेंशियल है ना, अगेन हम इंडिया में उनको इतना नहीं देख पाते हैं, ठीक है, लेकिन उनके उनके मैंने ऑस्ट्रेलिया की वो सीरीज देखी थी, मुझे याद है उन्होंने पहले टेस्ट मैच में पहली इनिंग में जो बैटिंग की थी, मैंने ट्वीट भी किया था, मैं कहा यार सरेआम लग रहा था कि ही इज इन अ हरी टू प्रूव हिमसेल्फ। लेकिन बड़ा प्लेयर वो होता है जो बाउंस बैक करता है, और जो उन्होंने वहां पे बैटिंग की है या उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, बाबर आजम ने अगर अपना सर ठीक रखा ना तो बाबर आजम भी आप देखेंगे शायद दुनिया के और शायद आपके पाकिस्तान क्रिकेट के कई रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे। इस लड़के में पोटेंशियल भी है, और बस द ओनली थिंग इज कि रास्ता उनका साफ रहे और सीधा रहे, ना लेफ्ट जाए ना राइट जाए, बस अगर बाबर आजम ने अच्छी क्रिकेट 8-10 साल खेल ली तो आप देखेंगे कि दुनिया अगर विराट कोहली की बात करेगी तो बाबर आजम की भी बात करेगी। इंशाल्लाह जबरदस्ती। अच्छा जी, ये ऐसा 360 की तरफ से भी आया था यही सवाल कि बाबर आजम की जो मौजूदा है उसके हवाले से, सो ये आंसर मेरे ख्याल से मिल गया। ओके, टेल अस अबाउट योर फेवरेट प्लेयर्स चंद्रेश एंड विक्रांत, हम आप लोगों से भी जानना चाहेंगे बिकॉज आई नो कि अक्रॉस द बॉर्डर भी क्रिकेट एडमायर बहुत सारे हैं और आप लोग तो स्पेशली स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से ताल्लुक रखते हैं, तो यू गेट टू सी पीपल एंड यू गेट टू स्पोर्ट्समैन प्लेइंग इन द फील्ड। सो चंद्रेश, टेल अस अबाउट योर फेवरेट प्लेयर, यू हैव बीन वाचिंग हिम, या उसको देखना एक मजेदार होता है चीज उसको ग्राउंड में खेलते हुए। आपका प्लेयर या पुराना प्लेयर? कोई भी प्लेयर, कोई भी, पाकिस्तान, इंडिया, एनी प्लेयर। यू माय फेवरेट प्लेयर ऑल टाइम इज कप्तान इमरान खान, जो उन्होंने मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। मेरे हिसाब से उनकी कप्तानी, उनके क्रिकेट और जिस तरह से उन्होंने इस उस टीम को बना के रखा, जब मैं कहानियां सुनता हूं प्लेयर्स से तो वो तो मजेदार कहानियां हैं। एंड आई थिंक दैट ही वाज द एपिटोम ऑफ हाउ अ टीम शुड बी रन। और हम कभी कभी कुछ फेसेस देखते हैं विराट कोहली में भी, विक्रांत जी एक चैनल में स्पोर्ट्स एडिटर हैं तो वो भी काफी गौर से देखते हैं कि विराट कोहली में जो ट्रेसेस है ना वो पूरे मेरे हिसाब से इमरान के हैं, बिकॉज ही इज द बी ऑल एंड एंड ऑल राइट नाउ इंडियन क्रिकेट। सो मुझे काफी सिमिलैरिटीज रखते हैं इमरान और विराट में। बट अगर आप कप्तानी के तौर पे देखें तो एमएस धोनी वाज वे अहेड बिकॉज ही वाज मच मोर काम, बट इमरान ने जिस तरह से उस टीम को बनाया आफ्टर, मैं कुछ मैचेस देख रहा हूँ यूट्यूब पे, पुराने मैचेस देखने मिलते हैं, 83-84 तक तो पाकिस्तान की बॉलिंग खत्म हो गई थी सरफराज नवाज के रिटायरमेंट के बाद। जिस तरह से वो वापस आए, कप्तानी लिया, वसीम को मोल्ड किया, वकार आए, आके, मुश्ताक, अब्दुल कादिर, इन सब के साथ मिलके जो टीम बनाया, वो 90s का दौर जो है वो इमरान की कप्तानी की वजह से इतना बड़ा बना, और जावेद मियांदाद। तो मेरे ख्याल से इमरान खान इज माय ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर। जबरदस्त, विक्रांत इमरान का तो मैं भी फैन हूं। नहीं नहीं, इमरान की एज अ क्रिकेटर, एज कैप्टन, मैं एक्चुअली बहुत बड़ा फैन था उनको, और लेकिन मेरा जो फेवरेट क्रिकेटर वो इंडियन थे, वो संदीप पाटिल थे। आई डोंट नो, बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले हैं बट बड़े तगड़े बैट्समैन थे, और 82-83 पाकिस्तान गए, फिर उसके बाद उन्होंने 84 में लाहौर में, फैसलाबाद में 100 बनाया, तो वो मेरे फेवरेट थे। माइकल होल्डिंग मेरे मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और अगर आप पाकिस्तान से बात करें, वसीम अकरम में जो ऑरा है वो मैंने बहुत कम क्रिकेटर्स में देखा है। आज भी मेरी उनसे बात होती है, वो उसी प्यार से मिलते हैं मुझे, ओ की हाल है, सेम विद शोएब अख्तर, उसी तरह से वो एक्सेप्ट भी करते हैं, ठीक है जी। अगर आप बैटिंग की बात करें, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, मैंने माजिद खान के बहुत सारे टेप्स देखे हैं, और कहते हैं कि ही वॉज नॉट जस्ट हैंडसम मैन, मतलब इमरान से भी कहते हैं कि उस जमाने में, बट ही वॉज अ वेरी गुड बैट्समैन ऑल्सो। माजिद खान के बैटिंग का भी मैं मतलब
when I look back, fan था. मेरे बचपन में मैंने उनका नाम सुना था. I saw him once. अमृतसर में आपकी पाकिस्तान की टीम आई थी, नॉर्थ जोन के साथ एक मैच था. This was 79 जब पाकिस्तान इंडिया आया था. तो माजिद खान को मैंने देखा था वहां पे अमृतसर में. He was a class apart. ठीक है विक्रांत, अभी एक सवाल मुझे आया कि आपने कहा कि आपने बैक देन इमरान खान का इंटरव्यू बड़े चार्म से किया था, एंड यू वर वेरी हैप्पी एंड नर्वस एट द सेम टाइम. अब ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अब आपका इंटरव्यू करने का दिल है उनका कोई कि कभी आपका दिल करे इंटरव्यू कर लूं उनका? नहीं नहीं ऑब्वियसली जी, ऑब्वियसली बिल्कुल, क्यों नहीं. बट अगेन मैं अपने जजमेंट अबाउट हिज प्राइम मिनिस्टरशिप, मुझे नहीं लगता कि ये राइट मौजू है यहाँ चाहिए. लेकिन देखिए औरा तो उनका स्टैचर तो एज क्रिकेटर मतलब एशिया में दुनिया में. इनफैक्ट अरमला देखिए इट्स अ कोइंसिडेंस कि आज मैं घर पे ना बैठ के दोपहर को आई वाज प्लानिंग टू डू अ शूट, अपना एक वीडियो बनाना चाहता था स्पोर्ट्स तक के लिए. हमारा यूट्यूब चैनल है, तकरीबन 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हैं. कि 80s में जो ऑलराउंडर्स की लड़ाई थी, इमरान खान, रिचर्ड हैडली, कपिल देव, इयन बॉथम और काउंटी, ये चारों चुपके खेलते थे. तो क्लाइव राइस जो कि साउथ अफ्रीकन थे, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते थे, वो काउंटी क्रिकेट खेलते. तो आई वांटेड टू डू अ वीडियो ऑन दैट. तो मैं वो ध्यान से सबके स्टैट्स देख रहा था, बॉलिंग बैटिंग बॉलिंग बैटिंग बॉलिंग बैटिंग. तो आज ही आप मतलब देख के उनकी बात कर रहे हैं. और इमरान बहुत बड़े ऑलराउंडर थे, बट अगेन आई थिंक इन द सेम ब्रेथ आई एम श्योर पाकिस्तान में आप सुनील गावस्कर का नाम लेते होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे पाकिस्तान के सभी खिलाड़ियों से बात की है. किसी से भी पूछो आप, वो कहते हैं यार सुनील गावस्कर. अच्छा गावस्कर नहीं बोलते वहां पे, गावस्कर बोलते हैं, गावस्कर बोलते हैं. या कपिल, विक्रांत कपिल उनकी वेरी फेमस अराउंड है. कभी सचिन नहीं बोलते, सचिन बोलते थे हमेशा. ओ योवराज, योवराज Yuvraj Singh. Yeah, I agree. Okay, so we have one more question and then we'll wind up the session. And this is Ashish Bakshi. Vikrant ji, BCCI players ki salary cut karega? ये बड़ा critical question कर रही है. नहीं cut करेगा तो भी काफी मिल जाएगा उनको. मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब BCCI players basically I think आप match fees की बात कर रहे हो और contracts की बात कर रहे हो. But अगर आप ध्यान से देखें जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके जो बड़े प्लेयर हैं इंडिया के, दे गेट अबाउट $1 million पर ईयर जस्ट एज अ कॉन्ट्रैक्ट, $1 million अ ईयर. उसके अलावा आई एम नॉट वेरी श्योर कि इस वक्त मैच फीस कितनी है. मैच फीस और जो लोगो मनी होती है वो मिला के इट वर्क्स आउट टू कितना, अबाउट इंडिया के आई थिंक 15 लाख रुपए बनते हैं, जो पाकिस्तान के शायद 35 लाख रुपए होंगे, 30-35 लाख रुपए एक मैच के. और उसको कम भी कर दोगे, समुंदर में से 2-4 लोटे पानी के निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, राजेर का मोतिया का हाल है. बट देखिए जैसे मैंने कहा, इफ द क्रिकेट रीड्रॉ होगी, अगर कोई एक बंबू तंबू से गिरेगा ऑब्वियसली उसके रिपल जो जो इफेक्ट्स है वो स्पाइरल वो तो होंगे ही होंगे. और बाकी वही है, राजेर का मोतिया का अकाल नहीं है, 2-4 लोटे पानी कट दोगे तो काम तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अच्छा जी, we have one more question. Avran Gupta, do you think Shaheen, Naseem and other young pacers coming through the ranks can research Pakistan bowling attacking like was in past? Oh yes, why not? Bilkul. But again, jaise maine Babar ke bare mein kaha, same goes with the fast bowlers. Because Pakistan aur India mein ek fark hai fast bowlers ka. Pakistan, shuru se, matlab ab jab se hum dekh rahe hain cricket, wo kehte hain ji, wo ladka ji, wo टेनिस बॉल खेलता था और उसको देख लिया, चल भाई खेल ले सीधा इंडिया में. और उसका पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ है, भले वो वसीम अकरम हो, वकार हो, कोई भी हो, इंडिया में वो सिस्टम इतना बड़ा बना हुआ है हमारे और सिस्टम से फायदा भी होता है. तो फास्ट बॉलर को उठाएंगे, फिर उसको सिस्टम में डालेंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगा, फिर ये होगा, फिर इंडिया ए खेलेगा. तो कभी कभी ये डर रहता है कि यार उसके ना 1-2 साल जो पीक जब इंसान ऊपर चढ़ रहा होता है कहीं वो मिस ना हो जाए. बट फिटनेस पे काम होता है, एंड आई एम श्योर आई थिंक पाकिस्तान में भी जो फिटनेस लेवल्स मैं आपके पैरों के देखता हूँ, आई थिंक योयो टेस्ट इंडिया से ज्यादा सख्त बनाया गया पाकिस्तान में. द ओनली थिंग इज कि पाकिस्तान के प्लेयर्स भले वो कोई भी फास्ट बॉलर हो या कोई बैट्समैन हो, बाबर आजम हो, वो तभी अच्छा करेंगे अगर आपका सेटअप ठीक चलता रहेगा. अनफॉर्चुनेटली अगेन आई एम नो वन, आई एम सॉरी, आई टेक द लिबर्टी टू कमेंट ऑन पाकिस्तान. यार वो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ ना, जो पीसीबी के झगड़े वो ठीक नहीं है.
वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपका सिस्टम कोलैप्स हो गया तो ये प्लेयर बेचारे कहाँ जाएंगे? ऑलरेडी आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को उस तरह से प्रिविलेजेस नहीं मिलती है ना, अब पाकिस्तान में खेलना शुरू हुए, 10 साल तो आपकी टीम अपने मुल्क में नहीं खेली, 10 साल आपके मुल्क के जो छोटे बच्चे थे 8 साल 10 साल 12 साल के, उन्होंने अपने मुल्क में इंटरनेशनल मैच ही नहीं देखे, तो वो चूंकि वापस आ रहा है, पीएसएल भी आपका एक अच्छा प्रोडक्ट है, तो बड़ा जरूरी होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, जो मर्जी हो ना हो, मैं आई एम नोबडी टू कमेंट, जैसे मैच फिक्सिंग की बात कर रहा हूं आज, या ये 25 साल पुराने भूत को जिनको क्यों निकाल रहे हो आप बोतलों से, वो उसको गाली दे रहा है, उसको जो आपने फैसला लेना था उस वक्त ले लेते आप, yeah. जब आप बार बार वही चीजें भूत को जिन को दोबारा निकालोगे ना, तो उसका क्रिकेट पे नुकसान हो, दैट इज द ओनली वे. जिन बंद कर दिए बोल सकते हैं, अब आप नहीं सुनेंगे थोड़े दिन. अच्छा हो गया. हाँ हो गया, हो गया थोड़ा थोड़ा हो गया. ठीक है, क्या लेटेस्ट है? लेटेस्ट कुछ नहीं है, चलिए चाहिए नहीं ये प्रोग्राम का नाम कुछ हो रहा है. बट या विक्रांत, मैं थोड़ा ऐड कर दूं विक्रांत, बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में चीजें काफी इनकंसिस्टेंट रही है, पाकिस्तान की जो कॉम्पिटेंस लेवल है जो एडमिनिस्ट्रेशन का, वो काफी लो रहा है. लेकिन जब से इहसान मानी साहब आए पिछले 2-3 साल से, मी एज अ जर्नलिस्ट, अगर मैं लुक बैक ऑन पीसीबी जी बिल्कुल, व्हेन आई लुक बैक, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, और जो सोचने का अंदाज था बोर्ड में पहले, एक छोटी सी मिसाल आपको दे लूंगा, हसन अली अभी रिसेंटली उसको बैक इंजरी हुई है, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, लेकिन इससे पहले ऐसे प्लेयर को छोड़ दिया जाता है कि जो गली में जो बस तुम्हारा हमारा तल्लुक खत्म हो गया, बस यू आर ऑन वे. अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि हसन को उठाया उन्होंने, उसका सारा खर्चा, उसकी सारी फाइनेंशियल जो उसके अरेंजमेंट है, सब कुछ खुद अफोर्ड कर रहे हैं, उसको छोड़ा नहीं उन्होंने. हसन एक प्रोडक्ट है, इससे पहले आज से कुछ 4 साल पहले अगर हम बात करते तो ये वो चीजें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो एहसान मानी के आने से चीजें बेहतर हो रही हैं, एंड वी आर इंप्रेस्ड कि चीजें अच्छे रास्ते पे जा रही हैं. और रही बात जो सलीम मलिक की, ये जो चलता रहता है मीडिया में, आपको पता है थोड़ा शुगल उधर भी होता है, थोड़ा मसाले मसाले इधर भी होते हैं, तो चलता रहता है ये जब तक ये लॉकडाउन एंड वी एक्चुअली एंजॉय इट. समटाइम्स कुछ चीजें वर्स्ट हो जाएं तो वो ऑब्वियसली नोबडी लाइक्स इट, चाहे बॉर्डर किस तरफ हो या उस तरफ हो, बट at the end of the day both the countries are cricket loving nation and that's the best part about us ke hum jo marzi ho cricket ko support karte hain, chahe hamara national game hockey hai but we are cricket loving nation. So thank you so much guys for joining us, Vikrant, Chandresh, bahut bahut shukriya. Thank you, bahut maza aaya aap logo se baat karke. Aur thank you ji, bilkul bahut shukriya aapka. Sach mein aaya ki nahi aaya? Sach mein aaya ki aap kehne ke liye bol rahe hain? पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो फील्ड में नहीं होते, तो एक डिजिटल जूम हम आपकी जानिब से एक्सपेक्ट करें कि कुछ आप प्लेयर्स को साथ लाएं और कुछ अच्छी सी इंटरैक्टिव सेशन हो, सो दैट वी कैन सी देम कि जो उनकी बॉन्डिंग पहले प्लेयर्स में हम देखते थे, अब भी हम शायद थोड़ा बहुत देखें. So, it's a request. India और पाकिस्तान के प्लेयर्स को एक साथ. Yeah, we would love to see them. It's a good idea by the way. Let's try that. Yeah. आपको याद होगा जब कुछ साल पहले जब ठीक ठाक चल रहा था तो जियो न्यूज पर हामिद मीर साहब और आज तक पर मैं, हम एक प्रोग्राम करते थे टाकरा, और उसमें हमारे यहाँ से जी जो हमारे कपिल देव थे, सौरभ गांगुली, हरभजन, ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स होते थे, अजहर भाई, और उधर से पाकिस्तान से वसीम भाई थे, रमीज राजा थे, शोएब अख्तर, तो हमने टाकरा बड़े साल किया है. इनफैक्ट हम उसको सुपर हिट मुकाबला कहते थे, बट वो दुनिया भर में मशहूर हो गया एज टाकरा. तो आई एम श्योर लेट्स डू अ क्वारंटाइन टाकरा दिस वे. बहुत मजा आया सच्ची में, बड़ा वधिया लगा तुहाडे सारिया नूं गल करके. बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़. Bye bye.